भूतों और चुड़ैलों की मालगाड़ी। 10:55 तक रेलवे स्टेशन पर काफी लोगों की चहल पहल थी। लोग इधर से उधर जा रहे थे, कोई कॉफी पी रहा था तो कहीं कुली सामान उठाकर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी में पूरे 11 बज जाते हैं, 11 बजते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सभी लोग डर कर छटपटा कर इधर उधर भाग रहे थे। आखिर लोग अचानक से 11 बजते ही सहम क्यों गए? क्या स्टेशन पर कुछ भयंकर होने वाला था या बात कुछ और थी? आखिर इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री के साथ क्या मिस्ट्री थी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अरे अरे भागो भागो, अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ सब लोग यहाँ से। पर अंकल, ऐसा क्या हो गया? आप क्यों भाग रहे हैं? अभी तो मेरी ट्रेन भी नहीं आई। तुम्हारी ट्रेन आएगी भी नहीं, बेहतर होगा अपनी जान बचाओ। अरे अंकल रुकिए, अरे मेरी मदद तो कीजिए, मेरा सूटकेस बहुत भारी है। अरे ये अंकल तो डरा कर चली गई, अब क्या करूं? अरे मैडम, आप यहाँ से अभी तक निकली क्यों नहीं है? सूटकेस भारी है ना, इसीलिए। मैं लेकर चलता हूँ, चलिए। इस तरह स्टेशन के सभी लोग रेलवे प्लेटफॉर्म से भाग जाते हैं और टिकट काउंटर या कहीं और छुप जाते हैं। तभी 11 बजते ही एक भयंकर मालगाड़ी उस स्टेशन पर रुकती है, जिसमें से बहुत सारे भूतों और चुड़ैलों की टोली निकलती है। वो स्टेशन पर आकर मालगाड़ी में भारी भारी बोरियां उठा के रखने लगते हैं। तभी उन भूत और चुड़ैलों का सरदार कहता है, जल्दी जल्दी ये सारा सामान उठाकर रखो। और ये क्या, कहाँ चले गए ये इंसानी लोग? यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? सरकार, मुझे तो लगता है इंसानी लोग ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, उनके पास स्मार्टफोन भी है ना, इसीलिए चले गए होंगे टाइम देखकर। अरे आजकल उन पर पता नहीं क्या क्या स्मार्ट गैजेट आ गए हैं। अपनी कलाई पर वो डिजिटल घड़ी पहनते हैं, जो उन्हें पानी पीने की हमेशा याद दिलाती है। तुझे बड़ा पता है कांचा, तू काम छोड़कर यही तो नहीं आता रहता है। रंपा, कांचा, बंद करो अपनी बकवास। मैं यहाँ इंसानी लोगों की बात कर रहा हूँ और तुम उनके गैजेट्स की बात कर रहे हो। क्या तुम अपना मकसद भूल गए क्या? माफ कीजिए सरकार, गलती हो गई। जी हमें भी माफ कीजिए सरकार। कान खोल कर सारे भूत और चुड़ैल सुन लो, मुझे किसी भी हालत में काफी तादाद में इंसानी लोग चाहिए और उन्हीं को ही मालगाड़ी में भरना। जी जी सरकार, हम इंसान लोगों को लेकर आएंगे हर हालत में। आज तो वो चले गए निकल, लेकिन कल नहीं जा पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या करने वाले हो तुम? आप खुद ही देख लीजिए। ये बोलते ही रंपा चुड़ैल स्टेशन की घड़ी के पास उड़कर जाती है और उस घड़ी की सुइयों को एक घंटा पीछे कर देती है, जिस स्टेशन पर बैठे लोगों को सही टाइम का अंदाजा नहीं लगेगा और मालगाड़ी के भूत और चुड़ैल आकर उन्हें पकड़ लेंगे। अरे रंपा चुड़ैल, मान गया तुम्हारे दिमाग को, तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। घड़ी की सुई पीछे करके तुम उन्हें पकड़ना चाहती हो ना? जी सरकार। पर सरकार, इसके लिए तो हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम सब मालगाड़ी में बैठकर थोड़ा सा आगे गए तो सभी लोग वापस से स्टेशन पर फिर से आ जाएंगे और हम उन्हें पकड़ सकते हैं। तुम तो अपना दिमाग चलाओ भी मत, अगर हम ऐसा करते भी हैं तो सभी लोग फिर से नहीं आएंगे, क्या पता वो अपने घर चले गए। ओह, और मालगाड़ी को देखते ही वो फिर भाग जाएंगे। लेकिन हम कल अपने टाइम पर आएंगे, लोगों को लगेगा कि 10 बज रहे हैं और उससे हम उन पर अटैक कर सकते हैं। जी सरकार। चलो चलो जल्दी से सारे भूत और चुड़ैल सारी बोरियों को मालगाड़ी में डाल दो। सरदार की बात सुनकर सभी भूत और चुड़ैल जल्दी जल्दी काम करके मालगाड़ी में सामान रख देते हैं और चले जाते हैं। अगले दिन वो फिर 11 बजे आते हैं, लेकिन धोखे में बैठे लोग घड़ी में 10 बजता देखकर आराम से बातें कर रहे होते हैं। तभी ट्रेन आती है। चलो शुक्र है, आज तो मेरी ट्रेन आ गई, कल तो मैं जा ही नहीं पाई थी। जल्दी आ जाओ वरना सीट नहीं मिलेगी। सभी लोग ट्रेन में चढ़कर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और तभी ट्रेन के सभी भूत और चुड़ैल उनके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग कितने बेवकूफ भी हो सकते हो, ये हमें नहीं पता था। देखो कितनी आसानी से तुम हमारी मालगाड़ी में आ गए। अब तुम लोगों को कौन बचाएगा? अरे ये क्या, छल किया इन लोगों ने, हम मालगाड़ी में कैसे आ सकते हैं? हम तो 10 बजे वाली ट्रेन में बैठे थे। तुम 10 बजे वाली नहीं, 11 वाली ट्रेन में ही बैठे थे।
तुम सब लोगों का क्या होगा? वही होगा जो हम इनके साथ करना चाहते हैं। मालगाड़ी में बैठे सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चुड़ैल और भूत लोगों को मार देते हैं, जिससे काफी लोग बेहद डर जाते हैं। तुम लोग हमें मारने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ो, हमें जाने दो। चुपचाप से बैठे रहो, कोई भी अपनी सीट से हिला तो तुरंत मार दिया जाएगा। सभी लोग डर कर बैठ जाते हैं और धोखे से अगले स्टेशन पर रोक कर बाकी लोगों को भी उठा लेते हैं। उनका भी वही हाल होता है जो बाकी लोगों का होता है, कुछ को मार दिया जाता है, कुछ को छोड़ दिया जाता है। अचानक से ट्रेन बड़ी धीमी रफ्तार में चलती है, क्योंकि एक चुड़ैल और भूत एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। अरे माया, तुम पागल हो क्या? मुझे ऐसे देख क्यों रही हो? मेरा ध्यान भटक रहा है। अरे तो धीमे धीमे मालगाड़ी को चला लो, क्या हो गया? एक तो वैसे भी मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा तो मुझे कौन सा मिलता है? सारा दिन सरकार का काम करना पड़ता है। अच्छा सुनो ना, बहुत टाइम से तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया है, तो आज कर दो। तुम पागल हो क्या चुड़ैल? चुड़ैल होकर भी ऐसी बातें कर रही हो? तो क्या चुड़ैलों का दिल नहीं होता? क्या वो प्यार नहीं कर सकती? तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते ना? जा रही हूँ मैं। अच्छा सुनो, कह दूँ तुम्हें या चुप रहूँ, दिल में मेरे आज क्या है? तो बोलो तो जानो, गुरु तुमको मानो, चलो ये भी वादा है। अरे मेरी जनम, हाय तुमने तो मुझे खुश कर दिया। तुम इतना बेसुरा गाना मरने के बाद भी गा सकते हो, मुझे पता नहीं था। ये मेरी तारीफ थी या बेइज्जती? जैसा तुम्हारा गाना है ना, उसके हिसाब से तो यही सुनने को मिलेगा तुम्हें। तुम चुड़ैल की चुड़ैल ही रहोगी पूरी की पूरी, जो मरने से पहले भी मेरा खून चूसती थी और आज भी ऐसी ही हो। वो दोनों लड़ झगड़ रहे होते हैं कि शिल्पा किसी तरह भूतों से बचकर वहाँ पहुँचकर मालगाड़ी चलाने लगती है। अरे अरे हटो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? तुम हटो यहाँ से, मुझे ये ट्रेन हर हालत में रोकनी है। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाकर तुमने लोगों को इस मालगाड़ी में कैद कर लिया है। अरे तुम देख क्या रहे हो, काबू करो इस पर। हाँ करता हूँ। वो भूत जाता है कि शिल्पा उसे एक लात मार देती है, जिससे वो गिर जाता है और कहता है, माया अरे मुझे लग गई। तुम किसी काम की नहीं हो, मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। तभी माया शिल्पा के बाल पकड़कर उसे खींचती है। शिल्पा भी उसके साथ वही करती है और दोनों लड़ने लगती है। बच के कहाँ जाएगी, मार डालूंगी तुझे मैं। चुड़ैल डायन कहेंगी, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगती है। इतने में कांचा और रंपा आकर कहते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ? इतनी देर से मालगाड़ी धीरे क्यों चल रही है? तेजी से चलाओ इसे। इन लोगों से तो कुछ भी नहीं होगा, मुझे ही ये करना पड़ेगा। ये बोलते ही कांचा तेज रफ्तार में मालगाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद ट्रेन बेकाबू हो जाती है, मालगाड़ी पटरी से उतरकर पलट जाती है और एकदम से ब्लास्ट हो जाती है, जिसके बाद भूत और चुड़ैलों के साथ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। अरे नमाज का टाइम हो गया है, मुझे पहले अपनी नमाज पढ़नी होगी, बाकी का काम बाद में कर लूंगा। शाहिद ने रमजान के रोजे रखे हुए थे और वो अपने धर्म के प्रति रोजाना की तरह नमाज के समय नमाज पढ़ने बैठ जाता है। वो अपने मन ही मन नमाज पढ़ रहा होता है कि तभी अचानक से चारों तरफ उसके कमरे में ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। तभी उसके पास चुड़ैल प्रकट हो जाती है, जो उसको नमाज पढ़ते हुए देख गुस्सा होने लगती है। चुड़ैल के साथ साथ बाकी की भी बहुत सारी चुड़ैलें वहां इकट्ठा हो जाती हैं और गुस्से से शाहिद को घूरने लगती हैं। हमारे होते हुए इस गांव में कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे जान से मार देंगे। इस गांव में कोई किसी के गुणगान नहीं करेगा सिवाय हमारे। अरे बहनों, अपनी मौत का तमाशा क्यों देख रही हो? मार दो इसे, वरना हम सभी मारे जाएंगे। इसे मारकर मैं इसका खून पी जाऊंगी। ऐसे ही धीरे धीरे हम चुड़ैलों का खौफ इन
गांव वालों के अंदर आएगा। चलो अब इसे मार देते हैं। हाँ हाँ, इसके साथ साथ अभी हमें और भी लोगों को मारना है। कोई नहीं बचना चाहिए। जो भी नमाज पढ़ेगा वो सीधा ऊपर जाएगा। तभी चुड़ैलों को आपस में बात करते हुए शाहिद सुन लेता है, जिसके बाद वो आंखें खोलकर चुड़ैलों को देखने लगता है। लेकिन चुड़ैलों को देखने के बाद भी वो अपने नमाज को बीच में नहीं छोड़ता और नमाज पढ़ता रहता है। तभी चुड़ैल शाहिद से कहती है, तूने हम चुड़ैलों को निराश किया है, तेरी वजह से हम लोगों को तकलीफ हुई है। अब हम चुड़ैले तुझे नहीं छोड़ेंगे और तुझे मार कर कच्चा ही अपने मुँह में निकल जाएंगे। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा था और अपने खुदा को याद कर रहा था, तुम यहाँ क्या करने आई हो? हम यहाँ तेरी मौत बनकर आए हैं। इस गांव में जो कोई भी नमाज पढ़ेगा हम उसे जान से मार देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों के द्वारा शाहिद के ऊपर वार करने लगती है, जिसके बाद शाहिद को एक जोरदार करंट लगता है जिसे वो अपने शरीर पर बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो वहीं मर जाता है। ईद के रमजान में न जाने चुड़ैलों ने कितने मुस्लिम लोगों को मार दिया था। ये बात गांव में एक चिंगारी की तरह फैल चुकी थी और गांव के लोग चुड़ैल के डर से नमाज पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन तभी एक दिन फिर एक फातिमा नाम की लड़की अपने कमरे में चुपके से नमाज पढ़ने लगती है। या अल्लाह रहम बख्श, या अल्लाह हम तेरे रास्तों पर चलने वाले नेक बंदे हैं, हमारी हिफाजत करना तेरा फर्ज है। ये कहकर फातिमा अपनी नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर बाद उसके चारों तरफ चुड़ैल प्रकट हो जाती है। फिर से नमाज पढ़ने की जरूरत थी, अब तुम्हें इसका भुगतान भुगतना होगा। तुम भी मारी जाओगी और तुम्हारे गांव में से कोई नहीं बचेगा। जैसे ही फातिमा अपनी आंखें खोलकर चुड़ैलों को ऐसे जोर जोर से हंसते हुए देखती है, वो खुदा से कहती है, या अल्लाह तेरा ये कैसा रहम है, तेरे बंदों को आज तेरी जरूरत है, उन पर अपना रहम कर, यकीन दिला कि तू हकीकत है। तेरा अल्लाह नहीं आएगा यहाँ तुझे बचाने, अब तो तू हमारे हाथों से मारी जाएगी। इस गांव में नमाज पढ़ना मना है, लेकिन तूने हमारे नियमों को बदलने की कोशिश की है, अब तेरी यही हिमाकत तुझे मौत की नींद सला देगी। ए नादान चुड़ैल, वो जो किसी को नहीं दिखता वो ऊपर वाला सबको देखता है और सबकी करनी का फल वो सबको देता है, उससे डर। डरना तो तुझे हम चुड़ैलों से चाहिए, तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, तेरा अल्लाह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तुझे बचाने यहाँ नहीं आएगा। अब देख हम तेरा क्या हाल करते हैं, तू आज और आज के बाद यहाँ फिर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। सारी चुड़ैलें मिलकर उसको मारने के लिए उसके करीब बढ़ने लगती है। धीरे धीरे जैसे ही वे उसके पास जाती है, तभी एक मौलवी बाबा फातिमा के पास पहुंच जाते हैं और एक ताबीज की मदद से वो चुड़ैलों को वहां से दूर भगा देते हैं, जिसके बाद फातिमा मौलवी बाबा से कहती है, मैंने अल्लाह के फरिश्ते सुने थे, लेकिन फरिश्ते के रूप में मौलवी बाबा मेरे सामने आएंगे ये मैंने नहीं सोचा था। अल्लाह चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो अपने बंदों को कुछ नहीं होने दे सकता। पैगाम आया है, पूरे गांव में चुड़ैलों का साया है और उन चुड़ैलों की कमजोरी हमारी नमाज है। जब हम नमाज पढ़ते हैं इन चुड़ैलों की शक्तियां कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये अल्लाह के बंदों को मार कर चली जाती हैं। कल ईद का चांद निकलेगा, वही सही वक्त होगा हमारे पास उन चुड़ैलों को इस गांव से भगाने का। हाँ फातिमा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, बुरी कर्मों का नतीजा अल्लाह ऐसी बुरी चुड़ैल को जरूर देगा। ऐसे ही जब रात बीत जाती है तो अगले दिन गांव के सभी लोग तैयारी में जुट जाते हैं। चारों तरफ गांव के लोग अल्लाह का नाम अपने दिलों में ले रहे थे। वहीं फातिमा ने रोजा रखा हुआ था और वो अल्लाह से गांव की रहमत के लिए दुआ करती है। आज ईद की रात है, थोड़ी देर बाद ईद का चांद भी निकल आएगा। अल्लाह मैं दुआ करती हूँ कि हमारे गाँव की रहमत सही सलामत बरकरार रहे और सबकी ईदी अच्छे से गुजरे। शाम होते होते गांव के सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही सभी लोग मस्जिद पर बैठने वाले होते हैं, वहां कई सारी चुड़ैल लोगों के ऊपर हमला बोल देती हैं। तुम लोगों को क्या लगा,
तुम लोग नमाज पढ़कर हम सभी से अपना पीछा छुड़ा लोगे? खत्म कर देंगे हम तुम सबको, ऐसा नहीं होने देंगे, कोई नहीं बच सकता। कितने सारे लोग हैं यहाँ, पर इन्हें तो खाने में भी मजा आएगा, आज तो ईद वाली दावत होगी। सभी चुड़ैलें लोगों को मारने लगती हैं कि तभी वहाँ पर फातिमा पहुँच जाती है और लोगों से कहती है, गाँव वालों यही सही वक्त है इन चुड़ैलों को अपने गांव से भगाने का, सभी बैठकर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। फातिमा की बात सुनकर गांव के सभी लोग नमाज पढ़नी शुरू करते हैं, जिसके बाद गांव के सभी चुड़ैलों की आत्मा तड़पने लगती है और अपने कानों पर हाथ रखकर लोगों से कहती है, ऐसा मत करो ऐसा, रुक जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकती हूँ, तुम सबको इसकी भरपाई करनी होगी। नहीं नहीं, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, माया ये सब क्या हो रहा है? अरे बहनों, हम में इतनी शक्ति नहीं कि हम ईद वाली नमाज को सुन सके, अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जैसे जैसे सभी ईद पढ़ते हैं, सारी चुड़ैलें कमजोर पर कमजोर होने लगती हैं और धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद ईद का चांद आता है और उसी समय गांव के सभी लोग ईद के चांद को देखकर अपना रोजा खोल लेते हैं, जिसके बाद मौलवी बाबा चुड़ैलों को अपनी शक्तियों से एक कांच की बोतल में कैद कर लेते हैं और उसका ढक्कन लगाकर अपने साथ ले जाते हैं। रात के काले अंधेरे में एक आदमी एक पुराने घर की तरफ से जा रहा था कि तभी उसको किसी के रोने और सिसकने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते हुए वह आदमी उस पुराने घर के अंदर जाता है। कौन है? उसके इतना बोलते ही वह आवाज अचानक ही बंद हो जाती है, जिसके बाद वह आदमी डरते हुए उस घर के अंदर जाता है कि तभी उस घर में एक दरवाजा खुलता है। जैसे ही वह आदमी उस दरवाजे की तरफ पलटता है कि तभी उस दरवाजे में से एक हाथ निकलता है और उस आदमी का पैर खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है और वह आदमी जोर से चीखता है। कुछ साल बाद दिल्ली शहर में वंश नाम का एक लड़का अपनी पढ़ाई कर रहा था कि तभी उसके पास एक अननोन कॉल आता है। हेलो, आप वंश बोल रहे हैं? आपकी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने गाँव आ जाइए। वंश उस अननोन आदमी से कुछ बोलता कि इतने में कॉल कट हो जाता है कि तभी तुरंत वंश अपने दोस्त दक्ष को फोन करता है। दक्ष, हमें अर्जेंटली गांव जाना पड़ेगा क्योंकि मेरी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर हम गांव नहीं गए तो मेरी नानी को कुछ भी हो सकता है। दोस्त, तू चिंता मत कर, हम आज शाम की ही गाड़ी से नानी के पास जाएंगे। इतना कहकर वह दोनों फोन कट करके पैकिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है, दक्ष वंश के पास आता है और दक्ष और वंश दोनों दोस्त गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। इस तरह अगले 4 घंटे बाद दक्ष और वंश दोनों ही सहारनपुर गांव में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें बहुत ही अजीबो गरीब आवाज आ रही थी। वह आवाज ना तो किसी जानवर की थी ना ही किसी इंसान की, ऐसा मानो जैसे कि कोई शैतान अपनी भयंकर आवाज में रो रहा हो। यार वंश, ये गाँव तो एक गाँव नहीं बल्कि भूतों का लोक लग रहा है। दक्ष, तू कैसी अजीबोगरीब बात करता है, रात का समय है और ऊपर से गांव भी है, होगा कोई जानवर, तुम सच में बहुत ही ज्यादा फट्टू हो। वंश इतना बोलता है और उसका हाथ पकड़कर आगे की तरफ निकल जाता है, जहां उसे अपनी नानी का घर दिखाई देता है। उस घर में से किसी के खूब जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन फिर भी वंश और दक्ष नानी के घर में चले जाते हैं, जहां वंश अपनी नानी को आवाज लगाते हुए बोलता है, नानी नानी देखो तुम्हारा वंश आ गया, कहाँ हो नानी तुम? अरे बेटा तू आ गया, मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी, अच्छा हुआ तू यहाँ पर आ गया, तुम दोनों यहाँ पर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना कहकर नानी वहाँ से चली जाती है कि तभी उनको एक बार फिर किसी के रोने की आवाज आती है, साथ ही उनके कमरे की खिड़की से किसी इंसान के सड़े हुए मांस की बदबू आती है। वहाँ पर कुछ भी सही नहीं चल रहा था। ये सब देख दक्ष वंश से बोलता है, वंश हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से कुछ ना कुछ अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं। अब तो ही देख यहाँ पर कितनी गंदी बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को मार कर रखा हो। वैसे दक्ष तुम बोल तो बिल्कुल सही रहे हो, बदबू तो मुझे भी आ रही है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से नानी आती है और उनके हाथों में नॉनवेज की प्लेट थमा कर वहां से चली जाती है। नॉनवेज को देख कर वंश बोलता है, अरे वाह, आज तो नानी ने भी नॉनवेज बनाया है, नानी के हाथ का खाना खाए हुए काफी समय हो चुका था, चल दक्ष अब अच्छे से नॉनवेज को खाते हैं।
वह दोनों जैसे ही एक लेग पीस उठाते हैं और खाते हैं कि तभी उस लेग पीस में से खून टपकने लगता है और ये देखकर दक्ष बोलता है, वंश लगता है ये लेग पीस कच्चा है, तभी तो इस लेग पीस में से खून निकल रहा है। हाँ यार, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। खैर मुझसे तो ये खाया ही नहीं जा रहा है, मैं नहीं खा रहा इसे। इतना कहकर वह दोनों अपनी अपनी प्लेट को साइड रख देते हैं और सोने के लिए जैसे ही बिस्तर पर जाते हैं कि उनके बिस्तर पर हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देखकर दक्ष एक बार फिर वंश को बोलता है, यार वंश, तू मान चाहे न मान लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। देख पहले तो वो आवाज जिसके बाद यहाँ पर इतना घना अंधेरा, फिर उसके बाद किसी के रोने की आवाज, फिर उसके बाद किसी मरे हुए इंसान की बदबू, फिर उसके बाद ये कच्चा नॉनवेज और अब ये हड्डियां। मैं तो अगली सुबह ही जा रहा हूँ अपने शहर। अरे दक्ष, किसी बिल्ली ने खाकर यहाँ पर फेंक दिया होगा, तू इतना क्यों डर रहा है? मैं इस गंदी सी चादर पर नहीं सोऊंगा। अच्छा ठीक है, जाकर तू नानी माँ से चादर ले ले। वंश की बात से दक्ष सहमत होता है और नानी माँ से चादर लेने के लिए जाता है। माँ, नानी माँ, यहाँ का चादर बहुत ज्यादा खराब हो रखा है, क्या आप मुझे बिछाने के लिए एक चादर देंगे? बेटा तू अंदर आकर चद्दर ले जा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, मुझे उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। दक्ष कुछ नहीं बोलता और नानी माँ के कमरे में चला जाता है कि तभी दक्ष चीखने लगता है। वंश दक्ष का इंतजार कर रहा था लेकिन दक्ष अभी तक नहीं लौटा था और उसको ढूंढते हुए वह नानी माँ के पास जाता है और नानी माँ से बोलता है, नानी माँ। हाँ बोलो बेटा वंश। वंश अपनी नानी से कुछ बोलता कि इतने में उसकी नजर शीशे पर पहुंच जाती है जहां वह देखता है कि उसकी नानी माँ के भेस में नानी माँ नहीं बल्कि एक भयानक चुड़ैल है। वंश बहुत ही ज्यादा डर जाता है लेकिन वंश अपने आप पर काबू पाता है और निडर होकर अपनी नानी माँ से बोलता है, नानी माँ यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है, क्या आप मुझे लालटेन दे सकते हैं? क्या पता लालटेन की रोशनी से मेरा डर खत्म हो जाए। उसकी बात सुनकर नानी उसके हाथ में लालटेन देती है और थोड़ी देर बाद वंश उस लालटेन को ले जाकर उस लालटेन के मिट्टी का तेल गिरा देता है और उस घर में आग लगा देता है, जिसके बाद वह दौड़ते हुए घर के बाहर चले जाता है कि तभी उसे पीछे से आवाज आती है, बेटा तू मुझे अकेला जलता हुआ छोड़कर जा रहा है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू मेरी नानी माँ नहीं हो सकती, तुमने मेरे दोस्त दक्ष को मारा है और तो और तुम एक चुड़ैल हो, बताओ आखिरकार तुम ये क्यों कर रही हो? बेटा मैं तुझे सारा सच बताती हूँ, कुछ साल पहले यहाँ पर तुम्हारे माँ बाबा ने अकेला छोड़ दिया था मुझे, मैं भूखी प्यासी तड़पती रही, भूख प्यास की वजह से मैं बीमार पड़ गई, इतनी बीमार कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने की और इस तरह मैंने अपना दम तोड़ दिया, मैं मर गई। लेकिन मेरी भूख शांत नहीं हुई इसलिए मेरे घर की तरफ से कोई भी आता या जाता तो मैं उसको खा जाती हूँ। पर नानी माँ, अब आप इस दुनिया की नहीं हैं, आपको अपनी दुनिया में जाना ही होगा। इतना कहकर वंश वहाँ से अपने शहर चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल नानी जलकर मर जाती है। वंश अब इस काली रात को एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। कब्रिस्तान की चुड़ैल। प्रीति अपनी माँ शीतल के साथ मॉल गई थी, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस और खिलौने थे। तभी एक गुलाबी फ्रॉक देखकर प्रीति कहती है, मम्मा देखो ना सामने वो पिंक कलर की फ्रॉक, मुझे बहुत पसंद है, प्लीज दिला दो ना मम्मा। नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दिला सकती, खिलौना दिलाया है ना, कुछ नहीं खरीदना, अब घर चलो। मम्मा प्लीज दिला दो ना, चाहिए मुझे, चाहिए मम्मा, मुझे वो ड्रेस चाहिए। प्रीति रोना बंद करो, सब हमें ही देख रहे हैं, घर चलो चुपचाप। प्रीति जिद करना बंद नहीं करती और शीतल उसका हाथ पकड़कर मॉल से घर आ जाती है। अपने रूम में रोते हुए प्रीति कहती है, मम्मा कुछ नहीं दिलाती, मुझे हमेशा ही ऐसे कर दिया, बस मुझे फ्रॉक पसंद आता है ना, फ्रॉक दिलाती, आइसक्रीम चाहिए कि आइसक्रीम भी नहीं, मेरी बात ही नहीं मानती, हो सकता है मुझसे प्यार ही नहीं करती, मुझे नहीं रहना इस घर में और मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा बोलकर प्रीति सो जाती है। अगले दिन शीतल उसका मायूस चेहरा देखकर उसे आइसक्रीम देती है। खिलौना न दिलाने की वजह से प्रीति गुस्से में होती है और उस आइसक्रीम को फेंक देती है। तभी शीतल उसे मारने के लिए हाथ उठाती है मगर फिर रुक जाती है। ये देखकर प्रीति अपने कमरे में रोने चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने पापा रविंदर को कॉल करके शीतल की शिकायत करती है लेकिन शीतल उसे सब बता देती है, जिसके बाद रविंद्र अपनी बेटी को और डांटता है। इस बात से गुस्सा होकर प्रीति आधी रात के 2 बजे अपनी गुड़िया लेकर घर से निकल जाती है और खुद से कहती है,
अब मुझे मम्मी पापा के साथ नहीं रहना, वो मुझे बहुत डांटते और प्यार तो बिल्कुल नहीं करते। मैं आऊंगी नहीं घर पर। चलते चलते वो एक कब्रिस्तान के पास पहुंच जाती है और कहती है, ये मैं कहाँ आ गई? यहाँ कोई भी नहीं है, कोई मुझे डांटेगा भी नहीं, यहीं खेलकर सो जाऊंगी। अरे वाह, ये कैसा बेंच है? प्रीति कब्र को बेंच समझकर वहीं लेट जाती है तो कभी अपनी डॉल से उसके साथ खेलने लगती है। तभी उसकी डॉल जमीन पर गिरकर कीचड़ से गंदी हो जाती है और वो बोलती है, ओफो, मेरी प्यारी गुड़िया तो खराब हो गई, और उसे कैसे साफ करूं? मुझे पानी भी नहीं दिख रहा, अब मैं कैसे खेलूंगी इसके साथ? तुम्हारी डॉल खराब हो गई ना प्रीति, क्या तुम्हें नई डॉल चाहिए? मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? मैं हूँ चुड़ैल। तुम्हारी ये छोटी सी डॉल खराब हो गई है ना, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा अच्छी और बड़ी डॉल देती हूँ। ऐसा बोलते ही चुड़ैल उसे अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी सी गुड़िया देती है, जिसे देखकर प्रीति कहती है, अरे वाह आंटी, ये तो बहुत सुंदर डॉल है। इतनी बड़ी तो मुझे कभी मम्मी ने भी नहीं दिलाई, क्या मैं उसके साथ खेल सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम इसके साथ खेल सकती हो, अब से ये तुम्हारी ही डॉल है। सच्ची आंटी? हाँ बिल्कुल। क्या तुम्हें चॉकलेट चाहिए? मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें सब दे सकती हूँ। हाँ आंटी, मुझे चॉकलेट चाहिए, और हाँ मम्मी ने जो मुझे पिंक वाली फ्रॉक नहीं दिलाई थी, मुझे वो भी चाहिए। बस इतनी सी बात, अभी तुम्हें मैं सारी चीज ला कर देती हूँ। ये बोलते ही चुड़ैल प्रीति की मांगी हुई सारी चीज उसके सामने रख देती है और प्रीति को वो पिंक फ्रॉक पहना देती है। ये देखकर वो कहती है, अरे वाह, ये तो वही ड्रेस है जो मुझे मम्मी ने दिलाई नहीं थी। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, अब मैं घर चलती हूँ। नहीं रुको, तुम अपने घर नहीं जा सकती हो। पर आंटी, मेरी मम्मी ढूंढेंगी मुझे। ठीक है, तुम अपने घर जा सकती हो, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें हर रोज इसी समय मेरे पास आना होगा, मैं तुम्हें बहुत सुंदर सुंदर खिलौने दूंगी। ठीक है आंटी, मैं रात को आऊंगी। ये सुनकर प्रीति उसकी दी हुई चॉकलेट लेकर घर चली जाती है। अगले दिन सुबह उसकी माँ देखती है तो बोलती है, प्रीति ये तो वही फ्रॉक है जिसके लिए तू जिद कर रही थी, ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने तो दिलाई नहीं तुम्हें। आपने तो दिलाई नहीं थी ना, तो पूछो भी मत। ये बोलकर वो छत पर चली जाती है। तभी चुड़ैल उड़ते हुए उसकी छत पर आ जाती है और कहती है, प्रीति आओ बेटा मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगी, तुम्हारे साथ खेलूंगी, हम बहुत मजे करेंगे। हाँ हाँ आंटी, मुझे आज भी आपके साथ खेलना है, मुझे चीज चाहिए नई वाली। चुड़ैल की बात सुन प्रीति उसके साथ कब्रिस्तान चली जाती है। वहाँ चुड़ैल के साथ आंख मिचोली खेलते हुए कब्रों के पीछे छुप रही थी, तो कब्रों पर कूद भी रही थी, तो कभी नई गुड़िया के साथ खेल रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ खेलकर बहुत खुश थे। तभी प्रीति थक कर बैठ जाती है और कहती है, आंटी आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है, अब नहीं खेला जा रहा। अच्छा आओ मेरी गोद में सिर रख लो और सो जाओ, मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। लोरी 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 चंदनिया छुप जाना रे, छन भर को लुक जाना रे, बिटिया मेरी सो जाए। लोरी सुनते ही प्रीति चुड़ैल की गोद में सो जाती है। कुछ देर बाद जाकर प्रीति वापस घर चली जाती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। ऐसे ही एक दिन प्रीति बहुत देर तक नहीं आती। रात में शीतल और रविंद्र अपनी बेटी को देखने जाते हैं तो वो उन्हें कमरे में नहीं मिलती। दोनों सुबह तक अपनी बेटी का इंतजार करते हैं कि प्रीति आ जाती है। उसके हाथ में चॉकलेट और गुड़िया देखकर दोनों ही हैरान हो जाते हैं। कुछ कहते उससे पहले रविंद्र उसे रोककर कहता है, शीतल नहीं, अभी इसे कुछ मत कहो, ये रोज कहाँ जाती है और ऐसा बर्ताव क्यों करती है, ये हमें पता लगाना होगा। आप ठीक कहते हैं। दोनों रात में सोने का नाटक करते हैं और जैसे ही शीतल उठकर चुड़ैल के साथ कब्रिस्तान जाती है, वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। ये देखकर दोनों हैरानी से बोलते हैं, हे भगवान, मेरी बेटी पर चुड़ैल ने कब्जा कर रखा, वो रोज इस चुड़ैल के पास आती है, इसीलिए वो हमसे नफरत करने लगी है और उसके साथ ज्यादा रहने लगी है। मैं अपनी बेटी को लेकर आती हूँ अभी। नहीं शीतल रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें पता ही है चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है, हमारी बेटी को इतनी आसानी से नहीं देगी, हमें किसी तांत्रिक की जरूरत पड़ेगी,
अपनी बेटी को इसके चंगुल से निकालने के लिए हमें वापस लौटना होगा, अभी इसी वक्त। रविंदर की बात सुनकर शीतल पत्थर रखकर अपने कदम वापस ले आती है और दोनों इसी क्षण एक तांत्रिक के पास जाकर अपनी बेटी की मदद के लिए गुहार लगाते हैं, जिसके बाद वो तांत्रिक अपनी सारी तंत्र मंत्र की जरूरत वाली चीजों को उस कब्रिस्तान में ले आता है, चुड़ैल के सामने जाकर उस पर फेंकता है। तभी चुड़ैल गुस्से से कहती है, कौन है, कौन मेरे और प्रीति के बीच में आया है? काली चुड़ैल एक बच्चे पर कब्जा करके उसके साथ खेलती है, उसे कब्रिस्तान में बुलाती है, शर्म नहीं आती? छोड़ दे इस बच्ची को, इसके माँ बाप इसे लेने आए हैं। नहीं दूंगी, प्रीति को मैं किसी को भी नहीं दूंगी, ये मेरी बेटी है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी, इसके साथ खेलती हूँ, खुश रहती हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलते ही तांत्रिक चुड़ैल पर अभिमंत्रित बभूत फेंकता है, जिससे चुड़ैल तब भी उसका हाथ नहीं छोड़ती। प्रीति, तू मेरी बच्ची, मेरे पास आ जा। नहीं दूंगी प्रीति, कहीं नहीं जाएगी। लगता है चुड़ैल को तुम्हारी बेटी से ज्यादा मोह हो गया है, इसलिए तुम्हारी बेटी को छोड़ नहीं रही। मुझे इसे वापस उसी कब्र में बंद करना होगा, तभी तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी। ऐसा बोलते ही तांत्रिक अपने कठोर मंत्र के उच्चारण से उस पर गंगा जल डालता है, जिसके बाद चुड़ैल तिल मिलाकर कहती है, छोड़, छोड़ मुझे तांत्रिक, छोड़, आ, आ। जा चुड़ैल, जा अपनी कब्र में वापस जा, छोड़ दे इस बच्ची को, जा अपनी कब्र में। ये बोलते ही चुड़ैल उसकी बात सुनकर वापस अपने कब्र में चली जाती है और तांत्रिक उसकी कब्र को तंत्र मंत्र विद्या से बांध देता है, जिसके बाद प्रीति खुशी खुशी अपने माँ बाप के साथ रहने लगती है। चुड़ैल की सब्जी मंडी। ढोलकपुर गांव बड़ा खुशहाल जिंदगी जी रहा था। वहीं पास में एक घने जंगल पर दो चुड़ैलें पेड़ पर बैठकर अपने पैर हिला रही थी। अरे कब तक इस पेड़ पर बैठकर इंतजार करें, यहाँ तो कोई भी इंसान नहीं आ रहा। इंसानों की राह तकते तकते तो अब मैं बोर भी हो चुकी हूँ। यार हम बहुत वेली चुड़ैल है, रागिनी चुड़ैल है ना, वो भी ना ढाबे पर खाना बनाने का काम करती है। हाँ हाँ, और वो उर्मिला चुड़ैल, वो तो अपना चुड़ैल लोक में ब्यूटी पार्लर खोलकर बैठी हुई है। पर तू ये सब क्यों कह रही है? मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, इससे हम बोर भी नहीं होंगे और मजा भी आएगा। पर तू जानती है हम सुधरी हुई चुड़ैल नहीं है, लोगों को परेशान करना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ तो ठीक है, हम अपना सब्जी मंडी में सब्जी बेचने का बिजनेस करेंगे। पर उससे क्या होगा? वो जानने के लिए सबको इस कहानी के अंत तक जुड़ा रहना होगा। तो आइए फिर ढोलकपुर गांव के सब्जी मंडी में चले। ये बोलते ही अगले दिन दोनों चुड़ैल मंडी में अपनी वेशभूषा बदल कर सब्जी बेचने लगती हैं। अरे क्या क्या सब्जी रखी है तूने बेचने के लिए? यही सब, आलू, टिंडे, तोरी, कद्दू, करेला, भिंडी, प्याज। अरे ओ चुड़ैल, ये कैसी वाहियात सब्जी रखी है तूने? भला ये कद्दू करेला कोई खाने की चीज है? मुझे तो उल्टी आ रही है। अरे तो कौन सा हमें खानी है? अरे ये भिंडी कैसे दी है? बिल्कुल साफ सुथरी, ताजी और हरी भिंडी दी है। अरे बहन जी, वो तो मुझे भी पता है, पर हैं कितने की? जितना आप दोगे उतने की हैं ये। हे भगवान, मतलब क्या भाव है? अरे बहन जी, हम में भाव बिल्कुल भी नहीं है। अरे पागल वागल हो क्या, मुझे तुमसे भिंडी लेनी ही नहीं है। अरे बहन जी रुकिए, वो क्या है ना, आज ही हम पहली बार सब्जी बेचने मंडी में आए हैं, इसे कुछ पता नहीं है। 20 रुपए की पाव है, ले जाओ। ठीक है दे दो, और हाँ बोल बोल कर सब्जी बेचो, मंडी में तभी बिकेगी। जी जी जी, बड़ाई हमको सिखाने वाली। सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी, हरी हरी सब्जी, भिंडी, तोरी, कद्दू, करेला, ले लो सब्जी ले लो। अरे बहन जी ये जरा कद्दू देना। ये लीजिए कद्दू। अरे बहन जी पूरा मत दो, काटो तो सही। मैं काट देती हूँ, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अरे आपने कितने अच्छे से दिया है आलू, और कांदा भी दे दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल लीजिए, जब शाम को ये सब्जी बनाकर खाएगा ना तो पता चलेगा कि कितने अच्छे से दिया है। रोनित दोनों चुड़ैल से सब्जी लेकर चला जाता है। ऐसे ही काफी लोग चुड़ैल से सब्जी लेने आते हैं, जिसके बाद उनकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं। शाम के समय चुड़ैलें लोगों के घर में खिड़की से झांक झांक कर उन्हें सब्जी बनाते हुए देखती हैं। तभी रोनित अपनी बीवी से कहता है, अरे ओ चंपा,
खाने की खुशबू तो बड़ी लजीज सी आ रही है, क्या बनाया है? अजी जो आप सब्जी लेकर आए थे वही कद्दू बनाया है मैंने। अच्छा फिर तो जल्दी से लेकर आओ। रोहित के ये बोलते ही चंपा उसके लिए खाना बनाकर लाती है, जिसे खाने के कुछ देर बाद वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगता है। आंखें लाल, नाखून लंबे और गुस्से से भरी शक्ल। रोहित घर का सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है, तभी उसकी बीवी कहती है, अजी ये कद्दू खाते ही ज्यादा जोश आ गया क्या? अरे सामान क्यों तोड़ फोड़ रहे हो? तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हर चीज तहस नहस कर दूंगा। ये कहते ही रोहित तोड़ फोड़ करने लगता है और अपनी बीवी को मारने लगता है। तभी वो रोते हुए कहती है, अरे क्या कर रहे हो, मुझे मार क्यों रहे हो? छोड़िए मेरे बालों को। चुलबुल चुड़ैल वहाँ से लड़ाई देखकर बुलबुल चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो भी लोगों को लड़ता झगड़ता देखकर खुश हो रही थी। वैसे लोगों को ऐसे तहस नहस करता देख बड़ा मजा आ रहा है। मजा तो बहुत आ रहा है, कल भी सब्जी मंडी में ऐसे ही सब्जी लगाएंगे जिसे खाकर लोग बावले हो जाएंगे। इसी तरह अगले दिन दोनों चुड़ैलें सब्जी बेचने मंडी चली जाती हैं। तभी एक और चुड़ैल आकर कहती है, अरे अकेले अकेले सब्जी क्यों बेच रही हो, आओ सखियो मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अरे किसी ने तुझे इस रूप में देख लिया तो इंसानी रूप में आ, ले आ गई, मैं भी बेचूंगी तुम्हारी सब्जियां। आजा आजा सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी सब्जी, ऐसी हरी भरी सब्जी है जिसे खाकर आप बिल्कुल पागल ही हो जाएंगे। आइए आइए सब्जी लीजिए। अरे जरा ये सब्जी देना, बड़ी ताजी लग रही है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ताजी है, लीजिए। ये बोलकर तीनों चुड़ैलें उसे सब्जी देती हैं। एक एक करके तीनों चुड़ैलें सारी सब्जियां बेच देती हैं। चुड़ैलें फिर से उन्हीं लोगों के घर जाकर तमाशा देखती हैं जो उनसे सब्जियां लेकर गए थे। बाकी लोग भी रोनित की तरह ही अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एक एक करके आधे गाँव का हाल कुछ इस तरह का ही हो गया था। तभी कुछ औरतें अपने घर वालों की चिंता जताते हुए कहती हैं, हे राम जी ये हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे घर वालों को पता नहीं खाना खाते ही क्या हो जाता है। हैरानी करने वाली बातें हैं कि खाना खाते ही घर के लोग सामान फेंकने लगते हैं, तो कभी मारने चिल्लाने लगते हैं। मैंने तो अपने पति को कमरे में बंद कर दिया था, जब उन्हें नींद आई तब जाकर शांत हुए थे, लेकिन मेरे पति तो सोते ही नहीं है। डर के मारे मैंने उन्हें जंजीर से बांध दिया, मुझे लग रहा है जरूर कोई हमारे खाने में कुछ मिला रहा है। कहीं हमारे गांव में ये सब करने वाली कोई चुड़ैल तो नहीं है, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा। तीनों आपस में बात कर ही रही थीं कि एक हांफते हुए औरत उनके पास आकर कहती है, गीता शीला चंपा मैंने ना वो चुड़ैल देखी। क्या चुड़ैल? पर वो क्या कर रही थी? मैंने सब्जी मंडी में उसे सब्जी रखते हुए और रूप बदलते हुए देखा था, वो तीनों बहुत खतरनाक चुड़ैल दिखती हैं। क्या वो तीनों? हाँ तो चलो अब हमें उन चुड़ैलों पर नजर रखनी होगी, पता तो चले आखिर माजरा क्या है। तीनों चुड़ैल सब्जियों के खेत में खड़ी होकर उन सब्जियों में अपनी जादुई भूतिया शक्ति डाल रही थी, जिसे खाकर लोग अक्सर बेकाबू हो जाते थे। तभी तुम लोगों का आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लोगों को सब्जी खिलाकर पागल करना, इससे तुम्हें मिलता क्या है? हमें इससे शक्तियाँ मिलती हैं, लोग जैसे पागल होते हैं उतने ही हम ताकतवर होते हैं। शक्तियाँ ही नहीं हमें लोगों को परेशान करके बहुत मजा भी आता है, अब देखना धीरे धीरे पूरा गांव कैसे पागल हो जाएगा और फिर ढोलकपुर से पागलपुर बन जाएगा। कल भी हम इन्हें यही सब्जियाँ खिलाएंगे लोगों को। तीनों चुड़ैलों की ये बात वो चारों औरतें सुन लेती हैं, जिसके बाद चंपा कहती है, इसका मतलब कि ये सब्जी खिलाकर हमारे पतियों को घर वालों को बेकाबू करती थी और इसकी सारी ताकत इन सब्जियों में ही है। तो तुम जानते हो ना हमें क्या करना, हम वो सामान तो लेकर आए ही थे। हाँ हाँ जानते हैं, अभी सब्जी के खेत को ध्वस्त करना होगा, तभी इन तीनों चुड़ैलों का काम तमाम होगा। ये बोलते ही वो चारों औरतें खेत के कोने कोने जाकर सारी सब्जियों में मिट्टी का तेल छिड़क कर माचिस से आग लगा देती हैं, जिसके बाद धीरे धीरे सारी सब्जियां जलकर राख हो जाती हैं। उसी के साथ तीनों चुड़ैलें तिल मिलाकर मर जाती हैं और सारी औरतें कहती हैं, अब हमारा गांव और हमारे घर वाले सभी सुरक्षित हैं।